अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एसद महमूद एंड वेलकम टू जायंस। लास्ट वीडियो में हमने एचटीएमएल फंडामेंटल्स के मॉड्यूल को कंप्लीट किया था। आज की वीडियो से हम सीएसएस फंडामेंटल्स के मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लूंगा और zions.com की वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लूंगा। जब हमने HTML फंडामेंटल्स का पार्ट स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमें वेब पेज यहाँ पे नजर आ रहा होता है वो तीन चीजों से मिलके बना होता है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। जो तीन चीजें हमारे वेब पेज को बनाती हैं, जो यहाँ पर हमें ब्राउजर में नजर आता है, वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये तीन चीजें हमारी इस वेबसाइट की लेआउट को बनाती हैं। HTML से हम अपने वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि कौन सा एलिमेंट होगा, इमेज टैग, हेडिंग टैग और इस तरह बाकी जितने भी एलिमेंट्स हमारी वेबसाइट में होते हैं वो HTML से डिफाइन होते हैं। CSS फिर उन सभी एलिमेंट्स को स्टाइल करता है। जो भी यहाँ पे स्टाइलिंग नजर आ रही है वो सारी CSS से हुई हुई है। और लास्टली जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी को, जो एक्शंस होते हैं, जो फंक्शनैलिटी होती है, उसको डिफाइन करता है। ओके, तो लास्ट पार्ट में हमने HTML को कंप्लीट कर लिया था। उसके बेसिक्स को, जो हमने बेसिक फंडामेंटल्स उसमें कवर करने थे, वो हमने वहां पे कवर कर लिए थे। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे CSS से। और हमने लास्ट टाइम जो HTML फंडामेंटल के टेस्ट में जो एक लेआउट बनाया था, जो स्ट्रक्चर बनाया था, उसको CSS यूज करते हुए स्टाइल करेंगे। यहाँ पर मैं आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का रोल क्लियरली शो करवाने के लिए सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर लूंगा और साथ ही CSS को भी डिसेबल कर लूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने जावास्क्रिप्ट और CSS को डिसेबल किया है तो ये पीछे जो मेरे पास बच गया है ये सारी HTML बच गई है। यहां तक हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं कि हम HTML को यूज करते हुए हेडिंग्स कैसे ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, लिंक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, इमेजेस और भी बाकी काफी कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनको अपने वेब पेज में किस तरह ऐड कर सकते हैं। आज की वीडियो से क्योंकि हमने CSS से स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ पर CSS को अनेबल करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CSS जैसे ही मैंने अनेबल की है तो मेरे पास जो HTML का स्ट्रक्चर था, क्योंकि अभी जावास्क्रिप्ट डिसेबल है तो इस वजह से थोड़े ग्लिचेस यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जो पार्ट है वो सारा जावास्क्रिप्ट के साथ हैंडल होने वाला है। मेनली जो CSS है उससे हम अपने वेब पेज की स्टाइलिंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हेडिंग का बोल्ड होना और सेंटर अलाइन होना, इमेजेस का इन स्क्वेयर्स में आना और इस एंकर टैग का एक बटन की शेप में आना, ये सारा CSS के थ्रू हैंडल होता है। ये था इंट्रोडक्शन टू CSS। नेक्स्ट वीडियो से हम अपने फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि CSS का सिंटैक्स किस तरह का है और हम CSS का कोड किस तरह राइट करते हैं। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा कि CSS क्या है और वेब पेजेस में CSS का क्या रोल है। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जिसमें मैं आपको CSS का सिंटैक्स बताऊंगा और ये एक्सप्लेन करूंगा कि हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में CSS को किस तरह ऐड कर सकते हैं। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल।